नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नगर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद के फ्रेंड्स कॉलोनी स्थित त्यागी सभा भवन पर शनिवार को त्यागी समाज के गणमान्य लोग पहुंचे, जहां पर त्यागी धर्मशाला के गेट पर ताला लगा होने के चलते सभी ने त्यागी धर्मशाला के बाहर ही अपनी बैठक शुरू कर दी, जिसमें त्यागी सभा भवन के चुनाव को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान त्यागी समाज के लोगों ने कहा कि शुक्रवार को त्यागी सभा भवन पर एक बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें कुछ लोगों ने एक छोटी बैठक कर अध्यक्ष को चुन लिया और चुनाव न करने की बात कही, जिस पर त्यागी समाज में रोष व्याप्त है। उन्होंने कहा कि हर दो वर्ष में त्यागी सभा भवन का चुनाव सुनिश्चित रहता है, जो संवैधानिक रूप से होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज बैठक की सूचना मिलने के बावजूद भी त्यागी धर्मशाला पर ताला लगा दिया गया। हो सकता है कि 17 दिसंबर को, जो कि नामांकन का दिन है, उस दिन भी ताला लगा मिल सकता है, जो समाज के हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि समाज के कुछ लोगों ने बैठकर यह निर्णय लिया था कि 11 सदस्य टीम बनाकर एक अध्यक्ष का चुनाव कर लिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, जिसको लेकर त्यागी समाज आक्रोशित है और कल 17 सितंबर को नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी, जिसमें सभी लोग त्यागी धर्मशाला पहुंचेंगे। इसके बाद ही आगे का निर्णय लिया जाएगा। आज त्यागी धर्मशाला में एक चुनावी कार्यक्रम में कल एक मीटिंग रखी गई। उस मीटिंग में ये जानकारी थी कि सभी जितने 1028 मेंबर है, सभी को सूचना है, लेकिन मैं मानता हूँ ये एक किस्म से जो मेंबरों के साथ में बेईमानी है। हम तो प्रत्याशी हैं, समाज के लोग हैं, जैसे समाज कहता है उस हिसाब से हम चलते हैं। कल यहाँ एक प्रक्रिया हुई है 11 आदमियों की, इसमें कमेटी बनेगी और वो जो है सर्वसम्मति से समाज का एक जो आदमी चुन देंगे। हमने भी अपनी सहमति जताई, हम उस पर सहमत हैं, लेकिन शुरुआत जो थी वो फाउंडेशन मेंबर से चली, या जो उसके फाउंडेशन मेंबर हैं जिन्होंने इसकी नींव रखी गई, अध्यक्ष वो चुना जाएगा। लेकिन आखिर में जो इसके मेंबर चुने गए थे, जैसे देवव्रत त्यागी जी, डॉक्टर अरुण त्यागी जी, डॉक्टर अशोक त्यागी और राजू इंजीनियर साहब, वे इस पूरी प्रक्रिया का हिस्सा हमें बता गया कि हैं, लेकिन वे मौजूद नहीं थे। उनकी जगह दूसरे मेंबर बैठे और उन्होंने अपनी सहमति जता दी और हमें सुना दिया गया 11 आदमियों ने, जो 4 ने आपका नाम लिया, 7 ने उनका नाम लिया, और ये जो है बहुमत से ये आदमी जो है प्रत्याशी घोषित हो गए। हमने अपनी नाराजगी प्रकट की, लेकिन समाज के ही लोगों ने हमें रोक कर कुछ समंदरामंद करके सहमत कर लिया, हम चुपचाप सहमत हो गए। लेकिन आज फिर दोबारा समाज में एक आक्रोश हुआ और इन समाज के लोगों ने हमें बुलाया, हम इनके बीच में हैं, अब इनकी मर्जी है। अगर ये हमसे कहेंगे अब तुम चुनाव लड़ो तो हम चुनाव लड़ेंगे, और ये कहेंगे नहीं तुम्हें किसी के साथ रहना उसके साथ रहेंगे। लेकिन कल की जो प्रक्रिया है उसके हम बिल्कुल घोर खिलाफ हैं। अब मैं मानता हूँ 17 तारीख की भी जो सही सूचना है वो नहीं पहुंची। कार्ड एक जो मेरे पास दस्ती कार्ड है वो मैं दिखा भी सकता हूँ, भाई मेरी स्कूटी में तो कार्ड कर दियो, वो जो है मैं नहीं मानता। इन्होंने बता के 1000 कार्ड लोगों को पहुंचे, वो किसी को पहुंचाओ, भाई मेरी स्कूटी में तो कार्ड कर दे फाइल है, अब वो किसी को पहुंचाओ। ये एक मेरे विचार से एक किस्म से धांधली है। पहली मीटिंग हुई चुनाव की, उसमें रख दिया 1,00,000 रुपये, 1,000 का धर्मशाला का मेंबर है और 1,00,000 रुपये सिक्योरिटी, 1,00,000 रुपये उसकी सिक्योरिटी है। अरे आप थोड़ी पीछे घुमा दो, 1,00,000 उसकी सिक्योरिटी है। लेकिन वो कल खैर समाज के लोगों में बात रखी गई, उन्होंने कहा नहीं, जो पुरानी प्रक्रिया वही बहाल की जाती है, और जो इसकी मेंबरशिप है जो पहले 1100 रुपये थी उसी 1100 रुपये जमा करेगा आदमी, कोई भी पर्चा भर सकता है। ये किस्म से जो संविधान के खिलाफ है, जो यहाँ का प्रोटोकॉल है, ये जो इसका ये है क्या बोल रहे हैं, बायलॉज का एक भी नॉर्म जो है वो पूरा नहीं किया जा रहा। बायलॉज में ये था पर्चा भरने से पहले सहमति बनाई जाओ, लेकिन सूचना सभी को, सूचना किसी पर नहीं है। अगर किसी भाई पर हो, मैं जो प्रेस के माध्यम से बता रहा, किसी पर लेटर पहुंचाओ तो मुझे बता दो। हम संतुष्ट नहीं है, वो किसी भी एक ग्रुप को बुला लेना जो है और उसमें जो है चुनाव करा देना, एक एक ही आदमी 10 कैंडिडेट अपने जो है बुला कर तो उन्हीं निर्णय करा देना हमें। ये सभी मेंबर्स की जितने भी जो है इसके सदस्य हैं सभा के, उनके भी उनसे भी सलाह होनी चाहिए, उनकी भी अनुमति इसमें होनी चाहिए थी। खाली जो है 10 आदमी जो है, 11 आदमी है, 12 आदमी, 40 आदमी जो है इस पर वो इलेक्शन हमें मान लेंगे। देखिए कल एक कुछ चंद लोगों ने इकट्ठे होके एक सभा की यहाँ पे, और इस त्यागी सभा में लगभग 1100 मेंबर हैं, अभी किसी को भी कोई सूचना नहीं दी गई। सिर्फ एक ग्रुप विशेष के लोगों ने अपने आपस में जो एक मीटिंग करके, और उसमें
11 लोगों की अपनी एक समिति बना के और घोषणा कर दी, जबकि चुनाव का कार्यक्रम पूर्ण निर्धारित है और उस निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कल पर्चे भरे जाएंगे और उसके बाद उस पर सहमति बने या चुनाव हो ये बाद का विषय है। लेकिन जो लोग यहाँ पे मेंबर हैं वो इस अध्यक्ष का चुनाव करने के लिए सबको सूचना होनी चाहिए, सबको सूचना है कि 17 तारीख को यहाँ पर्चे भरे जाएंगे, 19 तारीख को नाम वापसी का टाइम है और 24 तारीख को अगर ज़रूरत हुई तो इलेक्शन होगा और निर्विरोध हो गया तो उसकी घोषणा 24 तारीख को होगी। ये पूर्व निर्धारित प्रोग्राम है, इस पूर्व निर्धारित प्रोग्राम से हटके कल जो प्रक्रिया हुई है वो प्रक्रिया गलत थी और अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे त्यागी सभा पे ताड़ा पड़ा हुआ है। ये लोग जो समाज के लोग हैं यहाँ बाहर बैठ के एक मीटिंग कर रहे हैं और ये कल की प्रक्रिया से सहमत रहे हैं। आपका नाम है? आपका? मेरा नाम सचिन त्यागी है। मीटिंग की गई है किस संबंध में मीटिंग की गई है? मीटिंग नहीं, ये एक चेतना है जी। यहाँ सब लोग आज इकट्ठा हुए, कल एक हमारे समाज की एक बैठक हुई, उस बैठक में कुछ जिम्मेदार लोग भी मौजूद थे, उन्होंने समाज को एकजुट करने के लिए ये पॉलिसी बनाई कि यहाँ धर्मशाला में चुनाव नहीं होना चाहिए। अगर चुनाव नहीं होगा तो नियुक्ति कैसे होगी? नियुक्ति के लिए उन्होंने कहा कि 10 लोग 11 लोग जो जिम्मेदार लोग हैं वे बैठेंगे और वे जो ठीक ठीक से नाम हो, जो भी जो योग्य हो, इसके हर प्रकार से जो योग्य हो उसके नाम का चुनाव करेंगे। पहले 11 लोगों का पैनल बनेगा, उसके बाद जो पूरी प्रक्रिया है बायलॉज के हिसाब से, संविधान के हिसाब से, उस पूरी प्रक्रिया को अपना के एक अध्यक्ष की नियुक्ति होगी जो धर्मशाला की देखरेख करेगा। धर्मशाला मतलब एक उसके पूरे रख रखाव के लिए पूरी जिम्मेदारी, उन्हें एक दायित्व दिया जाएगा। लेकिन उसके साथ ऐसा नहीं हुआ जैसा कि मीटिंग में होना चाहिए था। मीटिंग में जो हुआ उसके बाद, मीटिंग खत्म होने के बाद सब जिम्मेदार लोग चले गए, भाई इस प्रक्रिया को अब अपनाया जाएगा, इसमें एक दिन दो दिन तीन दिन जितना चुनाव का समय है उतने दिन का समय लगेगा। लेकिन कुछ लोगों ने, समाज के ही कुछ लोगों ने, पता नहीं किस उस माह के, उन्होंने 11 लोगों का पैनल ना चुन के एक अध्यक्ष को ही चुन दिया। हमारा उस प्रक्रिया से विरोध है, किसी व्यक्ति से विरोध नहीं है। वो नियुक्ति आप सब लोगों के सामने आ जाएगी, हमारा किसी की, किसी व्यक्ति विशेष की विरोध नहीं है। हमारा जो कल प्रक्रिया अपनाई गई, जिस प्रक्रिया को अपूर्ण रूप से अपना करके और ऐसा दिखा दिया मीडिया के माध्यम से कि ये सब संपन्न हो गया, तो हमारा उसके लिए ये है कि वो अभी तक संपन्न नहीं हुआ। उसके लिए पूरी चुनावी प्रक्रिया होगी। अब उस प्रक्रिया में हम लोगों को यहाँ बैठना क्यों पड़ा, ये चेतन क्यों होना पड़ा, ऐसी जागृति क्यों लानी पड़ी? ये जागृति इसलिए लानी पड़ी कि आज जब हमने यहाँ बैठक का कार्यक्रम रखा और सूचना दी किसी माध्यम से, तो आप देख रहे थे कि धर्मशाला का ताला बंद है। समाज के लोगों को बाहर सड़क पर बैठ करके अपनी चिंता जाहिर करनी पड़ रही, अपनी पीड़ा लोगों के सामने सड़क पर बैठ के जाहिर करनी पड़ रही, ये बहुत गलत बात है। कल 17 तारीख है, पर्चा भरने का दिन है, चुनाव की प्रक्रिया कल से शुरू होगी विधिवत रूप से। हो सकता है कल भी ऐसा हो, पूरा कार्यक्रम ना किया जाए, चुनाव अधिकारी ना आए, यहाँ जिम्मेदार लोग ना आए। तो हमारा ये मीडिया के माध्यम से पूरे समाज को निवेदन है कि कल से इस चुनाव की प्रक्रिया को विधिवत रूप से अपना के जब ही पूर्ण करा जा, ठीक। इसमें प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है, कोई चुनाव लड़े। अब समाज के 10 लोग फिर बैठ जाए, चाहे 20 लोग बैठ जाए, चाहे 50 लोग बैठ जाए, वे नियुक्ति कर दें एक अलग बात है, लेकिन प्रक्रिया पूरी संविधान के बायलॉज के हिसाब से होनी चाहिए। वक्त हो चला है आप सभी का लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत, नमस्कार। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।